भारत एक विकासशील देश है जो प्रतिदिन विकास की ओर बढ़ रहा है। इसके बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकी के कारण आने वाले समय में कुछ बेहद ही बड़े और महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिली है, जो आने वाले समय में देश की आर्थिक व्यवस्था और जीडीपी के लिए सबसे जरूरी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सबसे बड़े और शानदार मेगा प्रोजेक्ट को देखेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए मेरे साथ एक बार फिर कुछ नया जानने इस वीडियो में, जिसका नाम है इंडिया के 10 मेगा प्रोजेक्ट। यह विशाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लगभग 1350 किलोमीटर तक फैला है। यह हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी के बीच बन रहा है। यह परियोजना 2019 में शुरू हुई और इसमें कुल 1,03,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य देश के बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना और एक्सप्रेसवे के आसपास स्थानीय विकास की मात्रा बढ़ाना है। इसके पहले चरण में 8 लेन जबकि दूसरे चरण में 12 लेन होंगी। इस परियोजना के जनवरी 2025 तक पूरा होने की संभावना है। सुपरनोवा स्पिरा, सेक्टर 94, नोएडा, भारत में एक सबसे ऊंची गगनचुंबी आवासीय बिल्डिंग बनने जा रही है, जो 80 मंजिला और 300 मीटर की ऊंचाई के साथ एक मिश्रित उपयोग टावर होगा। सुपरटेक के मुताबिक 90% कंस्ट्रक्शन हो चुका है। एक बार इसका निर्माण पूरा हो जाने के बाद सुपरनोवा स्पाइरा भारत की सबसे ऊंची संरचना होगी। मौजूदा सबसे ऊंची इमारत यानी वर्ल्ड वन स्काई स्क्रेपर की ऊंचाई से भी ज्यादा, जो मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुंबई में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट पर अडानी ग्रुप ने 16 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 2018 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। नया एयरपोर्ट मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट से करीब 35 किलोमीटर दूर होगा। पहले चरण में हवाई अड्डे को 1 करोड़ यात्रियों की सेवा की उम्मीद है। बाद में चौथे चरण में लोगों की संख्या 6 करोड़ तक पहुँच जाएगी। यह हवाई अड्डा 2024 में खुलने वाला है। सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल दिल्ली में जल्दी ही नई संसद बनने जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास और उसके आसपास के क्षेत्रों का पूरी तरह से नवीनीकरण किया जाएगा। यह परियोजना इतिहास में सबसे महंगी है और यह भारतीय इतिहास में पहली बार है। इस पहल का लक्ष्य उन सरकारी भवनों का नवीनीकरण करना है जिन्हें आज की जरूरतों के लिए पुराना और अप्रभावी कहा जाता है। परियोजना का बजट लगभग 13,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस परियोजना के 2023 तक पूरा होने की संभावना है। भारतमाला प्रोजेक्ट, 2018 से भारतमाला परियोजना पर काम चल रहा है। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी और मेगा राजमार्ग परियोजनाओं में से एक है। प्रस्ताव के मुताबिक करीब 83,677 किलोमीटर सड़कों को लक्षित किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और हमारे देश की आर्थिक सीमाओं में मदद करना है। इससे कार्गो मूविंग दरों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। परियोजना को 7 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। वर्तमान में प्रथम चरण का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, इस मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 14,000 करोड़ रुपए है। यह परियोजना अप्रैल 2018 में शुरू हुई थी और वर्तमान में प्रगति पर है। नवी मुंबई में सिवरी और न्हावा शेवा को इस हार्बर लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। MTHL 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल है जो मुंबई महानगरीय क्षेत्र तक फैला है। पूरा होने के बाद यह भारत का सबसे लंबा समुद्री लिंक होगा। बढ़ते ट्रैफिक से निपटने के लिए ये नया लिंक बनाया जा रहा है। सागरमाला परियोजना का इरादा भारत के समुद्र तट को बेहतर बनाना है। इससे बंदरगाहों और उनके संचालन को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा। राष्ट्रीय सरकार क्षेत्र में सभी रेलवे को जोड़ना चाहती है। यह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजनाओं का एक समूह है, जो तटरेखा और अंतरदेशीय जलमार्गों के सुधार को लेने के मार्ग के रूप में पहचाना गया है। भारत में इस मेगा प्रोजेक्ट का बजट 4,00,000 करोड़ रुपए होगा। योजना को 4 खंडों में बांटा गया है। केन बेतवा रिवर लिंक नदियों को आपस में जोड़ने की पहली परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश में केन नदी से पानी को मध्य प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित करती है। केन बेतवा लिंक नहर 221 किलोमीटर लंबी होगी और बीच में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनेगी। इस परियोजना का उद्देश्य 10.62 लाख हेक्टेयर तक की वार्षिक सिंचाई और लगभग 62 लाख आबादी को पीने के पानी की आपूर्ति करना,
और 103 मेगावाट जलविद्युत ऊर्जा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करना है। इस परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए आकी गई है। चिनाब ब्रिज का मेहराब जो अभी निर्माणाधीन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनने जा रहा है। यह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को जोड़ने वाली रेलिंग परियोजना का हिस्सा है। पुल 1315 किलोमीटर लंबा होगा और समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचा होगा। दुनिया के इस सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर 200 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। इस परियोजना का लक्ष्य प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है। प्रोजेक्ट हिमांक, यह दुनिया की पहली ग्लेशियर सड़क बनने जा रही है। प्रोजेक्ट हिमांक का लक्ष्य एक मोटर सड़क का निर्माण करना है जो दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियरों में चलती है। यह परियोजना लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसे 17,800 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। यह क्षेत्र के ग्लेशियरों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी जो सबसे खतरनाक कामों में से एक है। ससोमा और सेसरला के बीच ये सड़क लोगों का जीवन आसान करेगी और रहने की स्थिति और सामाजिक आर्थिक स्तर में भी सुधार करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं आपको सबसे शानदार मेगा प्रोजेक्ट कौन सा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।